Microsoft Word Part Number 4 आज इस वीडियो दे विच आपां जानांगे इंसर्ट टैब दीआं बाकी ऑप्शन क्योंकि लास्ट वीडियो दे विच आपां इंसर्ट टैब दीआं फर्स्ट ऑप्शंस देखियां सी जिवें कि पिक्चर नूं किस तरह इंसर्ट कीता जांदा है कवर पेजेस किस तरह बनाए जांदे ने ब्लैंक पेजेस किस तरह क्रिएट कीते जांदे हैडर एंड फुटर बारे देखिया सीगा सो आपां हुण जिहड़ियां नैक्सट ऑप्शन इंसर्ट टैब दीआं ही जिहड़ियां अज देखणी आ कि बुकमार्क की हुंदा आ जिहड़ा हाइपरलिंक आपां किस तरह क्रिएट कर सकदे आ शेप्स नूं किस तरह आपां ड्रॉ कर सकदे कोई सिंबल यूज करना होवे ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੈਲ ਬਟਨ ਦੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सब तो पहला एम एस वर्ड नूं ओपन करांगे स्टार्ट बटन ते क्लिक करांगे ऑल प्रोग्राम्स ते क्लिक करांगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे उत्ते क्लिक करांगे दैन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दे विचों दे उत्ते टिक करांगे दैन ये ओपन हो जाएगा सो हुण जिहड़ा होम बटन सी आपां लास्ट वीडियो दे विच सारा देख लिया सीगा इनसर्ट बटन दीआं कुछ टैब्स जिहड़ियां आपां उह करके देख लईआं सी जिवें कि आपां कवर पेज देख लिया सीगा ब्लैंक पेज देख लिया पेज ब्रेक टेबल पिक्चर क्लिप आर्ट नाल ही आपां हैडर फुटर एंड पेज नंबरस देख लए सीगे सो नैक्सट ऑप्शन अपनी हैगी है शेप्स की हुण शेप्स दे उत्ते मैं क्लिक करदी हाँ देखो ये जो कोई भी तुसी मल्टीपल शेप्स आ तुसी कोई भी ले सकदे सपोज मैं जिहड़ी रैक्टेंगल लै लई आ इस तरह तुसी माउस नूं ड्रैग करना आ ते उह तुहाडे पेज दे उत्ते बन जाएगी जिस तरह की भी तुसी चाहुंदे आ देखो जदों इह ते क्लिक करदे नाल ही एक फॉरमेट टैब जिहड़ी अपने आप अवेलेबल हो जाती है हुण फॉरमेट टैब दे विच तुसी इहदियां सारियां सैटिंग्स कर सकदे हो देखो मैथों इहदा कलर चेंज किया नाल ही इहदी आउटलाइन अगर तां तुहानूं चाहीदी है दैन तुसी उहदी आउटलाइनिंग कर सकदे हो जिदां इत्थों कोई भी कलर जिहड़ा आउटलाइनिंग दा लै सकदे आ अदरवाइज़ मैं इत्थों नो कर दिंदी हाँ नो आउटलाइनिंग नहीं चाहिए सो इन थोड़ा जहा मैं नीचे कर लैनी हाँ नाल ही हैगी है कुछ इफेक्ट्स अगर तुसी शैडो देनी होवे प्रीसेट करना होवे रिफ्लैक्शन देनी होवे ग्लो करना होवे 3D बनाने होन रोटेशन किसी भी तरह की वो तुसी अलग अलग सैटिंग्स जिहड़ियां इहदे विचों तुसी कर सकते हो देखो जिदा मल्टीपल अपने कोल बहुत सारिया मिल जांदियां आ इह तुसी इहनां विचों जिहड़ी भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहुंदे कर सकते हो जिदा कि मैं इत्थों ग्लो चूज़ कर लिया इस तरह आप 3D रोटेशन वगैरह जिहड़ियां क्रिएट कर सकती हाँ सो इस तरह अगर मैनू इन जिहड़ी ट्राइंगल एक शेप चाहिए आ सो मैं की करूँगी इनसर्ट से जाऊँगी शेप से ट्राइंगल लिया उपर जिहड़ा ग्रीन कलर का एरो बनता उसनू घुमा के तुसीं इसनू रोटेट कर सकते हो घट वध साइज़ सारे इन्हां दे एरोज़ तो कर सकते हो इहदियां सैटिंग चेंज करन तो बाद अगर मैनू यही शेप दोबारा तो चाहिए आ दैन मैं कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड तो प्रेस करूँगी माउस नू मूव करूँगी दैन यह ड्रॉ हो जाएगी सो इनसर्ट दे विच एक ऑप्शन है टैक्स बॉक्स देखो इत्थे ड्रॉ टैक्स बॉक्स दे उत्ते जदों क्लिक किया दैन यदा जिहड़ा मैं कलर वगैरह सेम उ दे देनी है जिदा का कि शेप का आ ता कि यह ज़्यादा पता ना लगे सो इतें मैं लिखा इनपुट इनू सिलैक्ट किया और यदिया सैटिंग जीडिया इधरों टैक्सट फिल दे विचों मैं चेंज कर सकती हूँ यदिया सारिया कलर वगैरह जिदा कि आप लास्ट वीडियो में देख लिया किस तरह आप कलर वगैरह करने साइज़ घट वध करना आ सो आप होम टैब के कर सकते हैं अगर इदा दी शेप दोबारा चाहिए दैन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करा और माउस के नाल मूव करा दैन ये शेप जी उधरले पासे भी ड्रॉ हो जाएगी अगर थानू मतलब कॉपी करनी होंगी है शेप दैन तुसी कंट्रोल प्लस शिफ्ट दब के कर सकते हो सो मैं इत्थे लिखा आउटपुट ये थोड़ा जहा बड़ा कर लेंगे नैक्सट आप यूज़ करते हैं स्मार्ट आर्ट्स स्मार्ट आर्ट्स से मैं क्लिक किया देखो नंबर ऑफ स्मार्ट आर्ट्स अपने को अवेलेबल आ अकॉर्डिंग टू आप अपने लै सकते जिस तरह का भी अपना जिहड़ा डायग्राम आप ड्रॉ करना आ सपोज मैं इतों जिहड़ा प्रोसैस वाला लै लैनी हाँ कि मैं इनपुट आउटपुट का जिहड़ा प्रोसैस का डायग्राम जिहड़ा ड्रॉ करना सो मैं इतों जिहड़ा एक शेप लै लैनी हाँ जिहड़ी भी मैनूं वधिया लग रही आ उह शेप मैं इतों चूज़ कर लैनी जिदा कि मैं ये वाली शेप चूज़ की इहदी शेप दे पहली विच जदों मैं क्लिक किया माउस दे नाल दैन ऑटोमैटिकली उत्थे जिहड़ा करसर आ जांदा दैन फिर तुसीं उत्थे टाइप कर सकदे हो कीबोर्ड तो सो इस तरह जिहड़ा मैं थर्ड दे विच भी जिहड़ा आ इत्थे लिख लैनी हाँ आउटपुट इत्थे प्रोसैसिंग लिख दिता फर्स्ट च मैं इनपुट लिख दिता थर्ड च मैं लिख दिनी आउटपुट जो आप इतने लिखा उस तो बाद जड़िया आप जो कलर वगैरह आ सारा डिजाइन टैब जो इतने अवेलेबल हो जाती है वो सारा जो कलर वगैरह चूज़ कर सकते हो देखो ये जो टैक्सट पेन आड शेप आड शेप के उत्ते क्लिक करोगे तो एक शेप होर आ जाएगी टैक्सट पेन के जाके ड्रॉ टाइप कर सकते हो सो नैक्सट है अपने को चार्ट्स
चार्ट्स के उत्ते क्लिक करन दे नाल चार्ट्स तुहानूं पता होना तुसीं 10th प्लस 2 विच भी पढ़े हुए आ। सो इहदे विच पाई चार्ट तुसीं सुणिया होना, मैं पाई चार्ट जिहड़ा है ड्रॉ करके दिखा दिंदी। जदों तुसीं पाई चार्ट ड्रॉ करदे आ नाल ही एक एक्सल दी शीट अवेलेबल आपां नूं हुंदी आ, क्योंकि उस शीट दे विच आपां जिहड़े आ इहदियां परसेंटेज वगैरह लिखनियां हुंदियां आ। देखो इस अकॉर्डिंग जिहड़ा आ इन्हां ने जिहड़ा ऑलरेडी दित्ता होया उहदे अकॉर्डिंग ए साइज़ आपां नूं दित्ता होया। सपोज़ मैं इहनूं चेंज करना, सो मैं इत्थे लिखा फूड, क्लोथ्स, हाउस रेंट, दैन मैं लिखा अदरस। हुण जिहड़ा फूड आ वह मैं दे दिता 60% कि जिहड़ा मेरा फूड आ 60% जिहड़ा चल रहा है और 10% इहदी सेल आ, 20% इहदी ते अदरस दी 10% आ। सो उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा इह देखो इतले पासे भी लिख के आ गया आ। सो इसे तरह अगर मैं इहनूं एक्सल शीट नूं क्लोज़ करना, क्लोज़ भी कर सकदी हाँ। सो इत्थे जदों मैं इहनूं क्लोज़ कीता, अगर मैं इहनूं ओपन करना डिज़ाइन टैब दे विचों जिहड़ा इहनूं मैं ओपन कर सकदी हाँ। इत्थे देखो एडिट एक्सल लिखिआ, सो इत्थे जिहड़ा क्लिक करके इहनूं दुबारा तो मैं इहनूं ओपन कर सकती अगर मैं ओपन करना हो। सो ये देखो जिस तरह ओपन होगी, ये चेंजेस कर सकते अगर कोई होर शेप लैनी हो, होर कुछ ड्रॉ करना, होर कुछ लिखना, दैन वो भी कर सकते हैं। सो नैक्सट है अपने को स्क्रीनशॉट। देखो स्क्रीनशॉट के उत्ते मैं क्लिक करना है, देखो अपने आप मेरी स्क्रीन आ गई आ। सो ये सिलेक्ट करना कि किन्ने पोर्शन थानू जिहड़ा है स्क्रीनशॉट लेना। देखो मैं इन्ने पोर्शन सिलेक्ट किया, देखो वो मेरा ऑटोमैटिकली स्क्रीन के उत्ते आ गया, अपने आप ही उन्होंने पेज के उत्ते आ जाना। सो सपोज मैं इतने हूँ क्लिक करती हाँ। नैक्सट टैब है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पर क्लिक किया, एक बॉक्स ओपन होया। देखो इतने कोई भी तुसी वैबसाइट का नाम दे सकते, जिदा कि मैं इतने लिखा www.microsoft.com, मतलब तुसी किसे वैबसाइट का लिंक दो देना हो, किसे फाइल का लिंक देना हो। सो जिदा कि मैं वैबसाइट का लिंक दे देता, सो इनू मैं जो ओके करूँगी देखो इतने ऑटोमैटिकली ब्लू कलर का लिंक बन गया आ। सो इस लिंक के उत्ते मैं जो क्लिक करके ओपन कर सकती। इसी तरह मैं किसी फाइल का लिंक देना, जिदा कि आ दे देता मैं फाइल का लिंक। सो सपोज करो मैं किसी वर्ड फाइल का लिंक देना चाहती हाँ। सो मैं इतों जो डिस्कटॉप चूज़ किया, डिस्कटॉप से मेरी एक फाइल पई है MS Word की, मैं उसनों ओपन किया। फाइल्स नूं ओपन करन दे लई आपां कीबोर्ड तो प्रेस करांगे कंट्रोल, तां इत्थे एक जिहड़ा हैंड दी शेप बन जाएगी। सो इत्थे वी आपां उहनूं क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। सो नैक्सट जिदा मैं इत्थे लिखा कंप्यूटर, नैक्सट अपनी हैगी बुकमार्क। बुकमार्क दे विच देखो इत्थे जदों मैं इत्थे लिखा कंप्यूटर, इत्थे भी मैं दोबारा कंप्यूटर लिख दिंदी हाँ ते इसनूं ऐड कर दिंदी हाँ कि इह मेरा बुकमार्क आ। हुण देखो सपोज मैं इत्थे लिख दिंदी हाँ एक होर लैपटॉप लिख दिंदी हाँ, जिदा कि मैं देखो ये तां ऐड हो चुका आ। सो मैं जो गो टू ते क्लिक किया तां ऑटोमैटिकली कंप्यूटर ते चले गया। सो लैपटॉप दे उत्ते जो क्लिक किया टाइप किया, सो इसका भी मैं जिहड़ा बुकमार्क क्रिएट करना। सो मैं इत्थे लिख दिंदी हाँ लैपटॉप। देखो यह जो अपने को बहुत सारे पेजेस होंगे जिद बहुत कुछ लिखा हों, कोई इदा का वर्ड हों जिदा कि कंपनी का नाम हो सकता, आपू बार बार वो यूज़ करना आ। सो वो आप बुकमार्क ऐड कर देंगे कि आपू बार बार टाइप ना करना पवे, तो उत्थे जो अपना करसर ऑटोमैटिकली चले जाता। सो हूँ देखो इतों क्रॉस रैफरेंस लेना। क्रॉस रैफरेंस देखो मैं इतने कुछ टैक्सट लै लैनी हाँ, पहले टैक्सट ड्रॉ कर लिया मैं इतने कुछ। सो इतने हूँ तुम्हें की करना आ, जिदा हूँ आ इनसर्ट बटन आ, इनसर्ट नूं मैं जिहड़ा आ सिलेक्ट किया, क्रॉस रैफरेंस ते क्लिक किया। दैन हूँ मैं चाहती हाँ कि इनसर्ट की जगह पर ये चीज़ा लिख हो जाए, कंप्यूटर और लैपटॉप लिख हो जाए। सो मैं देखो इतने इनसर्ट कर दिता, देखो हूँ जिते इनसर्ट से उत्थे कंप्यूटर एंड लैपटॉप लिख हो गया आ। सो इस तरह आप जिहड़ा जिदा मतलब कि कोई कंपनी का एड्रैस देना हो फिर किसी का नाम देना हो, दैन वो आप इदा ईजीली चूज़ कर सकते, बार बार लिखने की लोड़ नहीं पैंती। नैक्सट क्विक पार्ट्स के पिछों मैं डॉकूमेंट प्रॉपर्टी के पिछों जिहड़ा कंपनी का एड्रैस ले लिया, जिदा कि इतने मैं कंपनी का एड्रैस लिख दिनी हाँ, यूथ फुटबॉल क्लब रुड़का कला। सो ये मैं जिहड़ा है एक कंपनी का जिहड़ा एड्रैस इतने लिख दिता है। सो ये की आ हुण ये आपां एड्रैस इतने लिख हो गया आ, इहदे लई आपां नूं बार बार लभण की लोड़ नहीं पैनी। जिथे भी आप कंपनी का एड्रैस लिखांगे, मतलब कि आप जस्ट कंपनी लिखांगे, उत्थे ऑटोमैटिकली ये नाम जिहड़ा यूथ फुटबॉल क्लब आ लिख हो के आ जाएगा। सो इस तरह आप डेट एंड टाइम भी इतों इनसर्ट कर सकते हैं, देखो डेट एंड टाइम के उत्ते क्लिक करके डेट एंड टाइम इनसर्ट करना। सो नैक्सट है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के उत्ते जो मैं क्लिक करती हाँ, दैन एक बॉक्स ओपन हों, देखो ये अगर तो तुम फाइल न्यू क्रिएट करनी, चाहे वह माइक्रोसॉफ्ट की हो, PDF की हो, पावर पॉइंट की हो, एक्सल की हो, दैन उतों चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज तुम क्रिएट फ्रॉम फ्यू फाइल, मतलब कि थोड़ी जी ऑलरेडी फाइल आ बनी उसू सिलेक्ट करना। इस तरह तुम ये जिदा मैं ये PPT आ वाली सिलेक्ट कर ली है, इनसर्ट किया, ब्राउज़ कर लिया से, डिस्प्ले एज आइकन के उत्ते क्लिक जरूर करना है ताकि वो आइकन की तरह आपको क्लिक हो। सो ये क्लिक करके इसको हूँ आप ओपन कर सकते हो। नैक्सट है अपने को वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के आप किसी भी तरह की शेप लै सकते हैं। सो ये जिदा मैं इतने लिख दिता लॉकडाउन टैक स्टडी। सो तुम इस चूज जरूर करके देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंट्रस्टिंग लगता है।
इस फॉर्मल टैब दे विचों आपां इहदियां सारियां सैटिंग्स रैदर जिहड़ियां कर सकते हैं। सो नैक्सट है अपनी कोई इक्वेशनस, जिदा कि मैथ के क्वेश्चन पेपर आप बनाने होंगे तो इतों जिहड़ियां इक्वेशनस आप लै सकते हैं। नैक्सट है अपनी कोई सिंबल्स, मोर सिंबल्स के जो आप क्लिक करते हैं ये मल्टीपल आपको सिंबल्स मिल जाते हैं, जिस तरह का भी आपको सिंबल कोई चाहिए वो आप इतों चूज़ कर सकते हैं। जिदा कि मैं इतों जोड़ा आ अनमोल लिपि चूज़ किया, मतलब पंजाबी का आ, सो इस करके इतों एक ओंकार जोड़ा आ मैं वो चूज़ कर लैनी हाँ। इतों तुम स्पैशल करैक्टर भी चूज़ कर सकते हो, जिस तरह का भी थानू कोई स्पैशल करैक्टर चाहिए आ। सो इतों जोड़ा मैं एक ओंकार सिलैक्ट करती हाँ, उस तो बाद इनसर्ट के उत्ते क्लिक करती हाँ। देखो मेरा ये इधर पेज के उत्ते इनसर्ट हो चुका एक ओंकार। सो इस तरह ये जड़िया सारिया सैटिंग इनसर्ट दर सकते हैं। सो ये सारे अज का टॉपिक, मिलते हैं आप नैक्सट टॉपिक दे। सो चैनल सबसक्राइब एंड शेयर जरूर करना, बैल बटन के आइकन पर जरूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।